गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा यूनिट सेकंड चल रही है फुल वेव रेक्टिफायर तक हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। फुल वेव रेक्टिफायर में अब तक हमने देखा कि सर्किट अरेंजमेंट कैसा होता है और आज हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो इससे पहले आप लोग ये देख चुके हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर को हटा के फुल वेव क्यों यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज ओनली ऑफ रिपल फैक्टर, क्योंकि वहाँ उसका जो रिपल फैक्टर था हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 121% आता था, राइट। और फुल वेव जो रेक्टिफायर है अभी उसका हमें नहीं मालूम कितना परसेंट आएगा, बट हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत ज़्यादा प्योरिटी नहीं थी, ठीक। तो उसकी जगह हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ करके देखते हैं क्या पता हमें कुछ इन्वेंट नया मिले, राइट। तो उसके लिए कल हम लोग बात कर चुके थे सर्किट अरेंजमेंट की और हमारा टॉपिक चल रहा था फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। और यहां हमने लिखा था पूर्ण तरंग दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकरण। तो देखिए इसे देखते हैं आज हम पूर्ण तरंग दिष्टकरण को। यहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी सर्किट अरेंजमेंट की और फिर आज हम बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस की, ठीक है। तो सर्किट अरेंजमेंट में एक बार हम वापस देखते हैं इसकी सर्किट अरेंजमेंट। ये कुछ इस प्रकार से यहां पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर के इस साइड एक डायोड D1 और यहाँ डायोड D2 लगा होता है, राइट। और उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक RL वोल्टा लगी हुई होती है जो कि इसके मध्य बिंदु से निकलकर जाती है। इन टर्मिनल्स के बीच में हमें V आउटपुट मिलता है और इस प्रतिरोध को, इस रेजिस्टेंस को RL बोलते हैं, राइट। यहाँ पे जो ये सेकेंड नंबर का जो हमारा डायोड है उसको बेसिकली कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लाइन ज्वाइनिंग से लिया जाता है। तो यहाँ तक की बात हम लोग कल कर चुके थे और आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक AC वोल्टेज दी जिसकी वैल्यू थी VI। यहाँ पे VI देने के बाद में एक इस पॉइंट को C नाम दिया, इस पॉइंट को A और यहाँ के पॉइंट को नेम दिया स्टूडेंट्स हमने B, राइट। ये एक ट्रांजिस्टर है जिसकी ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। आज हम बात करते हैं इनकी वर्किंग की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, इनकी वर्किंग की, ठीक है। तो वर्किंग देखने के लिए हम कल बात कर चुके हैं, आप एक बार समझ लीजिए और फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्किंग, जैसे ही अगर किसी भी सर्किट में AC वोल्टेज दी जाती है, कौन सी दी जाती है, AC VI दी जाती है। जब हमने इसको एक AC वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है, राइट। एक करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है तो इस कॉइल पर जो करंट फ्लो होती है उस कॉइल की वजह से यहाँ पर इंडक्शन बनता है, इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण इस कॉइल में एक EMF जनरेट हो जाता है जिस EMF को हम नेम देते हैं क्या, VS। क्या नाम दिया बच्चों हमने इसको, एक VS, राइट। VS क्यों नाम दिया, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में ये P साइड है, ये N है, ये वाला साइड P है और ये है N। अब देखिए इस VS से जब करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे करंट कौन सी जाती है स्टूडेंट्स, I1,
और यहाँ जो करंट जाती है उसे हमने डिनोट कर दिया आई टू से, राइट। तो एक बार ज़रा देखिए, जब हम इसे थोड़ा साइड में बनाते हैं ताकि इसको मिटाने के बाद में हम लिख सकते हैं अच्छे से, चलो ठीक है। अब देखिए, जब हमने V इनपुट दिया एक साइन वेव को, क्या दिया एक साइन वेव को V इनपुट, जिसका टाइम पीरियड 0 T/2 और T इस तरीके से था, तो हमने देखा कि हमें जो Vs मिली, ठीक है, सेकेंडरी पे जो वोल्टेज मिली वो इसी की कारण जनरेट हुई थी स्टूडेंट्स, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम मिलता है हमें, ठीक है, और ये हमें कुछ कम एम्पलीट्यूड के साथ मिली, राइट। अब जब Vs इसके पास आई तो आपको मालूम है हमें सबसे पहले 0 to T/2 का वोल्टेज यहाँ पर आया, मतलब कि सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या ऑन आया, 0 to T/2 तक आया, ठीक है। जब ये वाला वोल्टेज इसके पास में आया तो यहाँ पर एक साइन आया पॉजिटिव का, यहाँ साइन आया स्टूडेंट्स किसका, नेगेटिव का। ये पॉजिटिव इस डायोड के पी साइड से मिला तो ये कैसा बन गया, एक फॉरवर्ड बायस बन गया, और फॉरवर्ड बायस बना तो इसने अपनी वी आउटपुट कहाँ दे दी, इस लोड के टर्मिनल्स पे, ठीक है। लेकिन जब ये वाला यहाँ पर आया, कौन सा, निगेटिव साइन, नेगेटिव जब इस पॉजिटिव के पास आया तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, ठीक है, उत्क्रम बायस, और ये सर्किट कैसा हो गया बच्चों, ओपन सर्किट हो गया। तो इसकी करंट हमें नहीं मिल रही, हमें सिर्फ इसकी करंट मिली थी और वो आउटपुट वोल्टेज हमें इसी की ही मिली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखिए एक बार V आउटपुट मिलने लग गया इस पे, तो हमने क्या कहा, हमें V आउटपुट यहाँ पर 0 to T/2 तक पे मिल गया, राइट। सेकंड देखिए, अब हम T/2 से T तक का भेजते हैं, मतलब कि ऋणात्मक अर्धचक्र भेजते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल को भेजते हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, मतलब ए को कौन मिलेगा, नेगेटिव, और बी को कौन मिला बच्चों, पॉजिटिव। जब इसका नेगेटिव इसके पी से टकराएगा तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा, और रिवर्स का मतलब क्या होता है, करंट नहीं मिलेगी, अब ये करंट नहीं देगा, इससे नहीं मिलेगी करंट, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव पी के पास आ रहा है, मतलब ये क्या बन गया है, फॉरवर्ड बायस बन गया है, और हमें यहाँ से करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें इसकी करंट इस बार फाइंड हुई हो गई, किसकी मिली, हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल की, उसकी वोल्टेज ये मिल गई, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल की जो वोल्टेज मिली है वो ये मिल गई। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैम ये तो नेगेटिव साइड में है तो ये हमें नेगेटिव ही देगा, ऐसा नहीं होगा, ये हमें वोल्टेज कौन सी देगा, पॉजिटिव। आप इसको इस तरीके समझ लीजिए कि जब पॉजिटिव पी के पास आएगा तो ये आर एल, हम इसको यहाँ की बजाय ऐसे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, तो इसके लिए जो हमें ये मिलेगा उसको उल्टा शिफ्ट करेंगे तो ये हमें कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। हाँ, हम करंट ज़रूर कहेंगे, जब हम करंट की बात करेंगे तब हम करंट ज़रूर कहेंगे कि आई टू कैसी मिल रही है, नेगेटिव करंट मिल रही है, ठीक है। वोल्टेज हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि आर एल के सिरों पर वोल्टेज मिल रही है, राइट। अब देखिए अगेन, अब ये वाला सेकेंड हाफ साइकिल देते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया तो बच्चों ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव से पी इसने दे दिया लेकिन ये ओपन हो गया, ये नहीं देगा, लेकिन ये ऊपर वाला देगा, तो ये ऐसे बन गया। सिमिलरली फिर ये नेगेटिव, ये ऐसे देगा, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल ये ऐसे देगा। तो कहने का मतलब है कि हम वोल्टेज कैसे लेके चल रहे थे, एक एसी वोल्टेज लेके चल रहे थे और हमें एक डीसी वोल्टेज मिल रही है। डीसी का मतलब होता है एक ऐसी वोल्टेज जो टाइम टी के साथ में अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करती है, तो ये देख लो पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर ही आ रही है, राइट।
तो ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। ठीक है, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को। तो सबसे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये डायग्राम मिटाला जाए या नहीं, रहने दो, नहीं मिटाते, इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसे वापस बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो बोला है, अभी जो हमने समझा है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए वर्किंग, वर्किंग। मैं सबसे पहले एक बार इंग्लिश मीडियम को लिखवा देते हैं, जब तक यहाँ पर इंग्लिश लिखा रहता है, और फिर लिखवाते हैं हिंदी मीडियम को। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जब तक डायग्राम को बनाएं, ठीक है। वर्किंग में लिखिए व्हेन एसी वोल्टेज वी आई, व्हेन एसी वोल्टेज वी आई इज अप्लाइड, व्हेन एसी वोल्टेज वी आई इज अप्लाइड एट इनपुट ऑफ प्राइमरी कॉइल, एट इनपुट ऑफ प्राइमरी कॉइल देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन वोल्टेज वी एस इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज ए रिमेन्स एट पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल रेस्पेक्ट टू सी एंड बी रिमेन्स एट निगेटिव वोल्टेज रेस्पेक्ट टू सी। Due to which D1 get forward bias and D2 get reverse
बायस, रिवर्स बायस। सो ड्यू टू डी वन करंट फ्लो थ्रू आर एल, थ्रू आर एल फोर नेगेटिव हाफ साइकिल, फोर नेगेटिव हाफ साइकिल फोर नेगेटिव हाफ साइकिल ए रिमेन्स, ए रिमेन्स एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी एंड बी रिमेन्स पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी, विद रेस्पेक्ट टू सी ड्यू टू विच ड्यू टू विच डी वन गेट रिवर्स बायस एंड डी टू गेट फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड डी टू गेट फॉरवर्ड बायस ड्यू टू डी टू करंट, ड्यू टू डी टू वोल्टेज करंट फ्लो थ्रू आर एल, थ्रू आर एल एंड वोल्टेज ऑब्टेन्ड एंड वोल्टेज ऑब्टेन्ड अक्रॉस आर एल इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यूअसली एंड होल वेव, एंड होल वेव ऑब्टेन्ड अक्रॉस आर एल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, लिखिए इसे।
एक बार इसको वापस रीड कर देते हैं, आप देखिए. When AC voltage VI is applied at input of primary coil, then due to mutual induction, voltage VS is induced in secondary coil. For a positive half cycle of AC voltage, A remains at positive potential respect to C and B remains at negative potential, negative voltage respect to C. Due to which D1 get forward bias and D2 get reverse bias. So due to D1 current flow through RL for negative half cycle, A remains at negative potential with respect to C and B remains positive potential with respect to C. Due to which D1 get reverse bias and D2 get forward bias. Due to D2 current flow through RL and voltage obtained across RL in same direction. This process remain continuously and whole wave obtained across RL in same direction. Right? तो इसे लिखिए. इंग्लिश मीडियम वालों ने लिख लिया होगा, अब इसको हिंदी मीडियम के लिए लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है. और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका डायग्राम बना लीजिए. ये डायग्राम बना के जो साइकिल वाला था एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज फिर वो बनाते हैं, राइट. तो पहले इसको बना लीजिए जब तक आप लोग. अब तो इसमें लिखिए. कार्य विधि, ठीक है. धनात्मक अर्धचक्र में धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा
धनात्मक होता है, द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक होता है और बी सिरा ऋणात्मक, और बी सिरा ऋणात्मक, राइट। अतः डायोड D1 से धारा का चालन होता है, अतः डायोड D1 से धारा का चालन होता है। अभी मत लिखो लोगों इसको, है ना, पहले ये लिखो कि अगर बायसित होता है ना। अतः डायोड D1 अग्र बायसित होता है तथा D2 पश्च बायसित होता है, पश्च बायसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप डायोड D1 से धारा का चालन होता है, धारा का चालन होता है, जबकि D2 से नहीं होता है, जबकि D2 से नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ऋणात्मक अर्धचक्र में, ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धनात्मक हो, ऋणात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है बच्चों, ए सिरा ऋणात्मक होता है तथा बी सिरा धनात्मक होता है, अतः है अतः है D1 पश्च बायसित होता है तथा D2 अग्र बायसित होता है।
जिसके परिणाम स्वरूप D2 से धारा का चालन होता है तथा D1 से नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। निविष्ट वोल्टता, निविष्ट वोल्टता के धनात्मक तथा ऋणात्मक के धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में लोड से प्रवाहित धारा का मान एक ही दिशा में होता है। अतः लोड RL के सिरों के मध्य अतः लोड RL के सिरों के मध्य वोल्टता पूर्ण तरंग वोल्टता पूर्ण तरंग दृष्टकारी होती है। लिखिए यहाँ तक, ऑफिस का डायग्राम बनाते हैं हम। स्टूडेंट एक बार रीड कर देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कार्यविधि में धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक होता है और बी सिरा ऋणात्मक होता है। अतः डायोड D1 अग्र बायसित होता है तथा D2 पश्च बायसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डायोड D1 से धारा का चालन होता है जबकि D2 से नहीं होता है। राइट, ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक होता है तथा बी सिरा धनात्मक होता है। अतः D1 पश्च बायसित होता है तथा D2 अग्र बायसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप D2 से धारा का चालन होता है तथा D1 से नहीं होता है। निविष्ट वोल्टता के धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में लोड से प्रवाहित धारा का मान एक ही दिशा में होता है, अतः लोड RL के सिरों के मध्य वोल्टता पूर्ण तरंग दृष्टकारी होती है। ठीक है, अब आपने इसको लिख लिया होगा और जिसने नहीं लिखा है वो इसको पॉज करके लिख लीजिए। हम इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका, जो हमने देखा था इससे पहले। ठीक है,
आप लोगों ने इसको लिखने के साथ में इसका डायग्राम तो बना रखा ही है पहले से भी शायद, और अब भी बना लिया होगा, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए तो ऐसे बनाइए डायग्राम कुछ इस तरीके से। ये है हमारी इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये है सेकेंडरी, मतलब ये तो है वी आई, ये है बच्चों वी एस। यहां बना देते हैं इनका वी, ये है वी आई वी एस और वी आउटपुट तो ऐसा नहीं बनेगा ना, सबको पता है वी आउटपुट। देखिए वी आउटपुट बनेगा कुछ ऐसा, राइट। जीरो टी बाई टू टी, ठीक है, थ्री टी बाई टू और टू टी, राइट। ये क्या है V आउटपुट। एक इसमें वो बना लो करंट के लिए, धारा वी आई, वो थोड़ी छोटी बनेगा उसका एम्पलीट्यूड इनसे, क्या है ये करंट, राइट। और स्टूडेंट जो ये हाई पीक होता है ना, ये पीक, ये पीक, पीक है आपके पास में वी एम मीन, ठीक है। पीक के लिए लिया हमने पीक में एम। ये डी वन से मिला है, जब डी वन फॉरवर्ड बायस में है, जब डी टू फॉरवर्ड बायस में है, ये डी वन फॉरवर्ड और ये डी टू फॉरवर्ड, यहां लिख लेना फॉरवर्ड, मतलब कि अग्र बायसित, और डी टू वाला जो है वो क्या है रिवर्स, मतलब कि पश्च बायसित। बनाइए इसे अग्र बायसित और पश्च बायसित का। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको बना लिया होगा डायग्राम को। इसको बनाने के बाद आगे की जो वर्किंग है, जैसे कि एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, आरएमएस करंट, वोल्टेज आरएमएस, ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपको मिलती हैं, नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं इनके बारे में, राइट। तो इसको बनाइए और
समझिए, ठीक है, थैंक यू।